दिखा देते हैं। तो ये इसका हमने चेचिस बनाया है पूरा जुगाड़ करके। और अपनी जो गाड़ी है वो भी आप देख रहे हो, बिल्कुल पिकअप ही बनाई है हमने, और वो भी न्यू वर्जन। और उसके बाद हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी को हमने हमारे दिमाग से कितनी बड़ी बनाई है। ये बड़ी दिख रही है आपको, ये बड़ी आई नहीं थी, ये बड़ी बनाई गई थी। तो इसका चेचिस और जो भी है वो हम आपको एक बार उल्टा करके दिखा देते हैं। तो ये इसका हमने चेचिस बनाया है पूरा जुगाड़ करके। और उसके बाद ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग भी हमने खुद ने की है चालियों की, अलग अलग कलर से पीछे और आगे दोनों। तो आप पीछे की भी देख लो एक बार। तो दोस्त आपने मिनी डीजे का जो लास्ट सरप्राइज था, यानी कि जो लास्ट राज था, वो बिल्कुल आज कंप्लीट हो चुका है। और अपनी जो मिनी डीजे है वो भी एक तरीके से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि हमारे को लास्ट सरप्राइज और लास्ट जो राज था वो हमने रखा था आपके लिए, वो अब हम इसका दिखाने जा रहे हैं अपने मिनी डीजे का। और इसका जो साउंड का सिस्टम है वो भी हमने एक नंबर धमाकेदार लगाया, और ओरिजिनल चीजें यूज ली है, यानी मार्केट में ढूंढ ढूंढ के सारी चीजें हमने लगाई है, और जो हो सकता था बिल्कुल अपने बड़े डीजे के ओरिजिनल तरह वैसे हमने इसको बनाया है। तो अब इसका हम साउंड भी सुना देते हैं। उसके पहले इस गाड़ी के जो बैनर लगाए हैं, जो लाइटिंग लगाई है, उसकी घुमा के आपको पूरी फिनिशिंग दिखा देते हैं। और इसका ऑपरेटिंग गेट जिसमें हमने मशीनें सेट की है चलाने के लिए, और जो पूरा इसका कनेक्शन है वो किया है, वो भी आपको लाइव दिखा देते हैं। और एलईडीओ से लेकर लाइट जो इसका डेकोरेशन किया है हमने, वो सारा एंटिक और यूनिक ही किया है भाइयों। तो हम आपको दिखा देते हैं। कैमरा वाले भैया इधर आ जाओ। ये रहा अपने मिनी डीजे का ऑपरेटिंग गेट जिस पे हमने फोटो लगाई है मोटू पतलू की। ये अपना ऑपरेटिंग गेट जिसमें मशीनों का सारा सिस्टम कर रखा है हमने। और उसके बाद हमने जो लाइटिंग है वो लगाई है आप देखो, और वो भी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। और अब इसके बाद हम आपको दिखा दें कि इसके पीछे की जो लाइटिंग दी है हमने वो तो आगे से भी खतरनाक दी है हमने। तो पीछे की आप देख लो एक बार, चार तो हमने एलईडी यूज लिए इसमें, भोपू और पूरी जो अपने आर्डिक रिजम लगी हुई है वो सारे पट्टे लाइटिंग वाइटिंग ऑल टोटल इसमें हमने लगाई है। तो अब हम इस मिनी लीजिएगा आपको साउंड भी सुना देते हैं, क्योंकि साउंड सुनने में और लाइटिंग डेकोरेशन देखने में जो मजा आने वाला है ना भाइयों, आप मानोगे नहीं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस मिनी डीजे का हाई पावर बेस और क्वालिटी। आगे भी स्पीकर, पीछे भी स्पीकर, साइड में भी स्पीकर, क्योंकि आज तक ऐसी कोई मिनी डीजे बनी नहीं होगी वर्ल्ड में जिसके आगे भी स्पीकर हो, पीछे भी हो, साइड में भी हो। पर हमने, आपके भाई ने मेहनत करके ये भी पॉसिबल नहीं था पर कर दिया, क्योंकि अगर कुछ करने की ठान लो तो जरूर होता ही है। और इसके बाद अपनी जो गाड़ी है वो भी आप देख रहे हो, बिल्कुल पिकअप ही बनाई है हमने, और वो भी न्यू वर्जन। और उसके बाद हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी को हमने हमारे दिमाग से कितनी बड़ी बनाई है। ये बड़ी दिख रही है आपको, ये बड़ी आई नहीं थी, ये बड़ी बनाई गई थी। तो इसका चेचिस और जो भी है वो हम आपको एक बार उल्टा करके दिखा देते हैं। तो ये इसका हमने चेचिस बनाया है पूरा जुगाड़ करके।
और उसके बाद ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग भी हमने खुद ने की है चालियों की, अलग अलग कलर से पीछे और आगे दोनों। तो आप पीछे की भी देख लो एक बार। और आप मानोगे नहीं, इस गाड़ी के अंदर हमने रेस क्लिज एयरो ब्रेक इस गाड़ी में ही सेट किया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और इसकी खिड़कियां है अंदर की, आप देख ही सकते हो, सीटें बनाई हुई है आराम से कंफर्टेबल की एक ड्राइवर और क्लासिक बैठ सके। और इस तरफ से हम गाड़ी को दिखा देते हैं आपको कि इसमें क्लिज ब्रेक और रेस वायर भी सेट किया हुआ है। ये देखो, और वही ड्राइवर इसमें बैठेगा जिसका लाइसेंस हो हैवी, वही इसको चलाएगा। उसके बाद इसका जो साउंड है वो हम टेस्ट कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कि ये गाड़ी आखिर में कितनी पावरफुल बज रही है, अपनी बड़े वाले डीजे से ज़्यादा भयंकर बज रही है या फिर उससे कम बज रही है। सुनना आपको है, कमेंट आपको करना है, पर एक बार सुनाना देता हूँ आपको। बहुत ही अच्छा कोई मस्त साउंड चल रहा है। चलो इसका साउंड ऑन करके देखते हैं और साउंड सुनाते हैं आपको, और गाना भी एक नंबर सुनाते हैं आपको इसके अंदर। और अभी अपने मिनी डीजे में हम गाना स्टार्ट करते हैं और मिनी डीजे की पावर देखते हैं कि आखिर में इसमें कितनी पावर है। करो दोस्तों, चलो कर देते हैं। और सुनो और कमेंट जरूर करना कि अपनी मिनी डीजे का साउंड आपको कैसा लगा। मोहब्बत एक बार होती है बट उसे जब भी देखता हूँ मुझे तो बार बार होती है। तुमने ना सुनी धड़कन हमारी पर महसूस की हमने सांस तुम्हारी। फाइनली गाइस, हमारी गाड़ी की जो मिनी डीजे उसकी चमचमाती हुई लाइट हम चालू करते हैं। एक, दो और ये तीन। कहते हैं कि मोहब्बत एक बार होती है बट उसे जब भी देखता हूँ मुझे तो बार बार होती है। तुमने ना सुनी धड़कन हमारी पर महसूस की हमने सांस तुम्हारी।
से जब भी देखता हूँ मुझे तो बार बार होती है। दुनिया